रजनी जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेईमान लव के लिए। थैंक यू। तो हम क्योंकि टाइटल है बेईमान लव, तो हम ऐसा माने कि इस फिल्म में आप लव के प्रति मतलब बेईमानी करते हुए दिखाई देंगे, हम ऐसा माने? जी आप ऐसा मान सकते हैं, बट इसमें लव है, इसमें ग्रीड है, इसमें ईगो है जो अहम होता है, फिर इसमें लस्ट भी है और इसमें बेईमानी तो है ही। तो ये कहीं पे एक डार्क रोमांटिक लव स्टोरी है जिसमें ये सब जितने भी ग्रे शेड होते हैं, जो लोभ मोह माया जो चीज़ें हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं। और इसमें शुरुआत कहीं पे ऐसी होती है जहाँ पे एक शर्त में ये इस लड़की के साथ मतलब कुछ ऐसा करता है जहाँ पे वो उसका दिल तोड़ देता है, तो ऑब्वियसली वहाँ से वो लड़की भी, उसको भी गुस्सा आता है और उसका बदला लेने का पूरा जो चीज़ है वो शुरू होता है। बट कहीं पे बीच में इसको भी प्यार हो जाता है उससे, कहीं पे यू नो, सो दोनों के शेड्स अलग अलग हैं। मेरा स्टार्ट होता है एक रिच स्पॉइल्ड ब्रैट से, जो कि एक बिगड़ा हुआ रईस का बेटा है वो, लेकिन वो इवेंचुअली कहीं पे उससे प्यार में पड़ जाता है। तो वो ग्राफ जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव काफ़ी बार होता है, दोनों का, सनी का भी मेरा भी। तो वंस यू सी द फिल्म यू विल सॉर्ट ऑफ लाइक इट। इट्स अ स्लाइटली ट्विस्टेड लव स्टोरी, जैसे इसने इन्होंने लिखा भी हुआ है कि इट्स अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लव स्टोरी। मतलब लड़की भी कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी करने की कोशिश करती है। जी हाँ, मतलब वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि वैसा भी हुआ है। ओके रजनीश, फिल्म का जो जितना मैंने ट्रेलर देखा, एक ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, जी आप बताइए कि और क्या क्या होने वाला है इस फिल्म में, ड्रामा थ्रिलर जी, एक्शन फिल्म भी होगा क्या? इस फिल्म में एक्शन बहुत कम है, बहुत कम है, और इनफैक्ट मैंने तो उन्हें बोला था कि और डालिए, क्योंकि एक्शन तो डेफिनेटली जब आप एक कमर्शियल फिल्म अच्छी बना रहे हैं तो उसमें एक्शन हो सकता था। इनफैक्ट मेरे और डैनियल के बीच में काफ़ी एक्शन हो सकता था, लेकिन जो डायरेक्टर के पास दो एंड्स थे, तो उन्होंने जो दूसरा वाला एंड था, जो कि एक उनके मतलब यू नो लाइक एक ज़्यादा आर्टी क्लाइमैक्स है, वो एक आर्ट फिल्म के लेवल पे एक क्लाइमैक्स है, तो उन्होंने वो चूज़ किया, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो वो उस जोन में है जहाँ पे वो लड़की कहीं और चले जाती है और लड़का कहीं और जाता है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था इनफैक्ट एज एन एक्टर ऑल्सो टू डू। तो या सो आपको वो सब देखने को मिलेगा, देन आपको इसमें बहुत डिफरेंट म्यूज़िक देखने को मिलेगा जो कि कहानी को आगे लेके जाता है, देन उसके साथ में कुछ हाँ मतलब उसके अलावा आपको दोनों कैरेक्टर्स में बहुत स्कोप है परफॉर्मेंस का। तो आज की कहानी है, 2016 की कहानी है, तो मॉडर्न कहानी में आपको एक ऐसी लव स्टोरी मिलती है जो कि एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उनके बीच की अनबन भी है, उनके बीच में प्यार भी है, उनके बीच में तकरार भी है, और एक जीजा भी है उनका जो युवराज प्ले कर रहे हैं, तो वो भी कैसे वो मतलब और आग लगाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं फिल्म में, यू नो, जो एक फॉक्स प्ले करते हैं, एक लोमड़ी की तरह उनका किरदार है कि कैसे मैं इसको इधर छेड़ूंगा तो दूसरा वाला हिल जाएगा, तो वैसे वैसे लोग भी हैं। तो काफ़ी अच्छा सा एक प्रेमाइसिस है स्टोरी का। क्योंकि आपने बताया कि इस फिल्म में डेनियल भी है और आई थिंक डेनियल का डेब्यू भी है जी, इस फिल्म से, और युवराज भी हैं जी, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इन सभी के, इनके साथ में दो डेब्यू जी, और आप तो मान लीजिए एक जी एक्सपीरियंस वाले। हाँ, मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, और लेकिन वही होता है कि हर फिल्म में आप एक नए प्लेयर होते हैं जो अभी सीखा हुआ है, लेकिन उसको नई नई शॉट खेलने को मिलता है, तो आई थिंक वैसा है। और क्योंकि ये कैरेक्टर मेरा जो है, ये मैंने कभी प्ले नहीं किया है, ये एक मतलब रिच स्पॉइल्ड ब्रैट है, जो बिगड़े हुए बाप का यू नो इकलौता बेटा है, जो बहुत ही यू नो पार्टियां करता है, लड़कीबाजी करता है, दारू पीता है, एंड वो कहीं पे आई वुड से कि उनके मतलब उसका जो सारा इंटरेक्शन है इसके जीजा के साथ है, जो युवराज प्ले कर रहे हैं, जिनका डेब्यू है, और तो उनके साथ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके साथ इनका रैपो एक दोस्त की तरह है, और दोस्त की तरह है, लेकिन वही दोस्त है जो फंसाता भी है इसको उस गेम में, एंड पूरी गेम पे ही फिल्म है। देन डैनियल का लकीली आई थिंक आई वुड से कि बहुत अच्छी तरह डेब्यू किया है, क्योंकि उनको फिल्म में उन्होंने फॉरेनर ही दिखाया और उन्होंने फिल्म में उनसे इंग्लिश ही बुलवाई है डायरेक्टर ने, सो विच इज़ गुड, बिकॉज मतलब ज़बरदस्ती आप अगर किसी से हिंदी बुलवाएं तो ख़राब हो जाता है, सो जहाँ जहाँ उनका आएगा उनके नीचे सबटाइटल्स तो आएंगे ही, एंड आई थिंक वो एक समझदारी वाली बात है उनके लिए भी, डैनियल के लिए भी और डायरेक्टर के लिए भी और फिल्म के लिए भी,
एंड या आई थिंक ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने भी किया है अपना रोल. तो लकी मानते हैं आप अपने आप को, क्योंकि दोबारा आप, मेरा नॉलेज है दूसरी बार आप सनी लियोनी के साथ में काम करेंगे. हाँ तो लकी किस बात के लिए? तो मतलब नहीं, मतलब लकी किस बात के लिए ये बताइए ना. कि मतलब सनी लियोनी जैसी एक्टर जी, इस जी बेईमान लव में अगर कोई और गर्ल भी होती तो भी अगर कहानी मुझे पसंद आएगी तो मैं रोल करूँगा ना. मैं रोल इसलिए नहीं करूँगा कि उसमें सनी है तो अच्छा मेरी मैं लकी फील कर रहा हूँ. ये मेरा कोई रीज़न नहीं होता है फिल्म करने का, ना किसी का होना चाहिए. आई थिंक आप प्योरली एज एन एक्टर चूज़ करते हो कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगी, अगर रोल अच्छा लगा, अगर प्रोडक्शन और डायरेक्टर अच्छा लग रहा है आपको तो आप आगे बढ़ते हो. अगर आप दूसरे एक्टर को देख के जाओगे फिल्म में कि अच्छा इसमें यार ये एक्टर है तो मेरे को भी होना चाहिए, तो देन तो आपकी ज़्यादा देर नहीं चलेगी. मतलब इट्स प्योरली एज एन एक्टर यू हैव टू सी कि आपका रोल क्या है और स्क्रिप्ट कैसी है. तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जी. सो मैं लकी नहीं मानता हूँ. अच्छा मैं अगर सनी लियोनी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये आपके ठीक पीछे में जो पोस्टर देखा जी. वो और भी मैंने कई सारे पोस्टर जी. देखे, मतलब बहुत ही बोल्ड और हार्ट अंदाज में है जी. जैसा हम कह सकते हैं, तो वो सब सीन और ट्रेलर में भी हमने देखा जी. तो वो सब सीन करना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था या फिर आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? जी आई थिंक एक फिल्म का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. एक फिल्म में मतलब क्योंकि ये फिल्म ही उस पर है कि ये अपने जीजा से बेट लगाता है कि मैं इस लड़की को 10 दिन के अंदर बेड में ले जाऊँगा. तो अब शर्त ही ऐसी है तो ऑब्वियस सी बात है वैसे सीन भी होंगे फिल्म में. तो वो सीन और गाने के जो सीन्स हैं उन्हीं के पोस्टर्स भी आप देख रहे हैं, तो उसमें वो इंटीमेसी है पोस्टर्स में और उन शॉट्स में, एंड वो कहानी का एक पार्ट है. तो आई डोंट थिंक मतलब शूटिंग वाइज यस, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शूट बहुत मज़ा आता होगा ये सब करने में, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स और बहुत क्रूशल से मोमेंट्स होते हैं और यू नो ये काफ़ी टफ होते हैं शूट करने को. तो ऐसा नहीं होता है कि लोगों को लगता है कि अरे सही है मज़े आ रहे हैं और ये कर रहे हैं, बट इट्स वेरी क्रूशल क्योंकि उसको शूट बहुत अच्छी तरह करना चाहिए. जिस मतलब एक क्लास में और एक थोड़ा चीप में बहुत फ़र्क होता है. मतलब यू नो एक पतली सी लाइन है, अगर आप ज़रा सा भी इधर गए तो वो चीप लगेगा, और ज़रा सा मतलब इधर रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो बस वही है मतलब, तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है. सो वो काफ़ी ध्यान से शूट किया गया है यहाँ पे भी, एंड वो दिखेगा आपको फिल्म में. मैं अगर गानों की अगर बात करूँ, क्योंकि गाने भी जो मैंने 3 गाने अभी तक देखे, एक तो हग मी और ऐसे गाने बहुत ही मतलब एक कैची सॉन्ग है और लोगों को पसंद आ रहे जी. क्योंकि अब आप आज के टाइम पे ऐसी बातें होती है, अगर आपकी फिल्म के गाने हिट है तो जी. फिल्म 100% हिट या 90% हिट मानी जाती है जी. आपके गाने हिट हो चुके तब आप किस तरह से फील करते जब? जी हाँ आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग है प्यार दे, जो अंकित तिवारी का है. फिर रंगरेजा है जो बहुत ही अच्छा एक गाना है, असीस कौर ने गाया. देन जो हगमी आपने बताया तो ये भी बहुत बड़ा गाना है. ये सारे गाने हिट हो गए हैं और बाकी के भी इनफैक्ट गानों के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं. तो डेफिनेटली एक फील आपको ये होता है एज अ एक्टर और एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो लोग मतलब राजीव जी हैं, कि ये फिल्म मतलब काफ़ी हद तक तो आप सेफ हैं. अभी उसके बाद ऑब्वियसली ऑडियंस आती है बाकी की मार्केटिंग पे फिल्म के अंदर, एंड उनका एक लगाव होना चाहिए पिक्चर आके देखने में. सो वो ऑब्वियसली प्रमोशन पे है काफ़ी हद तक. इसको प्रमोट हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए हैं क्योंकि आई वॉज़ बिज़ी शूटिंग. मैं आज फ्री हुआ हूँ शाम को, अभी इससे पहले मतलब 6 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो 5:30 तक मैं डबिंग ही कर रहा था फिल्म की. एंड आई थिंक नाउ तो कम टाइम दिया गया है, एंड लेट्स होप कि यू नो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो मानते हैं आपकी फिल्म के ज़्यादा प्रमोशन ना होने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा या कम प्रमोशन हुआ है? एक जी कट टू कट प्रमोशन सी, प्रमोशन कम नहीं हुआ है, बहुत कट टू कट हुआ है. तो उसमें सही सही जगह पे हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी हद तक और हो सकता था क्योंकि जिस लेवल पे फिल्म जा सकती है या जा सकती थी वो उस लेवल पे प्रमोशन उतना नहीं हुआ. मे बी बिकॉज क्योंकि एक दो बार फिल्म शिफ्ट हुई रिलीज डेट, तो उससे हो सकता है क्योंकि मेरी डेट चल गई, सनी की डेट चल गई, तो हम दोनों वो प्रमोशन की डेट्स नहीं दे पाए. प्रॉबेबली वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जी. तो अब जो रिलीज डेट आई है वो 14 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन को एक अन्ना जी तो
आप क्या थॉट रखते हैं जी? इस दिन दो तीन फिल्में आ रही हैं, इस दिन फुद्दू आ रही है, अन्ना आ रही है, और एक इन्फर्नो हॉलीवुड की जो बड़ी फिल्म है वो आ रही है, एंड बेईमान लव आ रही है. तो आई थिंक लेकिन उन सब में से हिंदी फिल्म में अगर देखा जाए तो हमारी फिल्म काफ़ी कमर्शियल है और रिलीज़ भी बड़ा है उस हिसाब से, एटलीस्ट 1000+ स्क्रीन्स हैं. सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. ओके, कुछ सेट का कुछ अगर कोई ऐसा वाक्य या कुछ कोई ऐसे सीन अगर आप शेयर करना चाहें शूट के दौरान राजीव जी के साथ या सनी एंड युवराज के साथ का कोई ऐसा कोई मोमेंट आपके लिए या फनी मेमोरेबल या कुछ भी जी? बहुत एक सबसे ज़्यादा फनी पार्ट मेरे लिए वो था, एक सॉन्ग हम शूट कर रहे थे मेरे पीछे हिंदुस्तान, तो वो उसको कोरियोग्राफ किया लॉलीपॉप सर ने. तो लॉलीपॉप सर बहुत जनरली भी बहुत फ़नी है, उनको मतलब उनका जो तरीका है वो जितने भी आप देखेंगे कि पहले सलमान खान को जो एक बहुत रैंडम स्टेप्स जो देते थे वो वही देते थे. तो इसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हमने की हैं. एक जगह सॉन्ग में एक जगह पे मैं बेंच पे बैठा हूँ और मैं सनी को देख रहा हूँ, तो उसमें पहले जो कोरियोग्राफ किया था उन्होंने वो ये किया था कि सिंपली करते हैं और राजीव जी भी जाते थे तो क्योंकि तू अपने कैरेक्टर में रहेगा तो तेरा कैरेक्टर ऐसे ही देखेगा उसको, मतलब ये यूँ बैठेगा और यूँ ही देख रहा है उसको, देखते जा रहे हैं. बट अभी क्योंकि आप कमर्शियल एक गाना कर रहे हो तो उसमें हमने उसे ब्रेक किया, एंड मी एंड लॉलीपॉप सर डिसाइडेड कि सर इसको ना अभी आप टेक करते हैं और देखना आप हम लोग खेलते हैं इसके साथ. तो उसको हमने बहुत फ़नी बना दिया उस टाइम, मतलब तो वो दो लाइनें जो वहाँ पर मैं गा रहा हूँ सनी को देखते हुए, तो उसको मतलब पूरा बहुत फ़नी से वे में किया. तो वो देख के फिर राजीव जी को लगा अरे यार यही करना चाहिए सर, यही कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब तेरा. सो वो आई थिंक वो कुछ कुछ सॉन्ग्स में ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी मेमोरेबल है. एंड देन सीन्स तो ऑब्वियसली क्योंकि एक ड्रामा है तो ड्रामा में इतना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ सीरियस बिजनेस इन द फिल्म. तो वो सीरियसनेस में ही शूट किया है क्योंकि यूजली सब लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में थे एंड एवरी वन वॉन्टेड कि यू नो उसी लेवल पर शूट हो. क्योंकि ट्रेलर में मैंने ऐसा देखा कि हर जो एक लाइन है हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक लेडीज़ का हाथ होता है और एक सक्सेसफुल लेडीज़ के पीछे आपका हाथ, ऐसा कुछ डायलॉग इन डायलॉग में आप कितना बिलीव करते हैं, इस लाइन में आप कितने बिलीव जी? आई थिंक पीछे नहीं होता है, प्रॉब्ली साथ में होता है. अगर कोई भी लेडी सक्सेसफुल हो तो उसके साथ में किसी आदमी का हाथ होगा, अगर कोई भी लड़का आदमी सक्सेसफुल है तो उसके साथ में प्रॉब्ली लेडी का हाथ होगा. मतलब तो इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू मी, मतलब पर्सनली मैं मानता हूँ कि सपोर्ट जो होता है वो साथ साथ में होता है, जब आप साथ चलते हैं तो ही आप आगे बढ़ते हैं. कोई भी पीछे में भी किसी कंपनी में नाम पीछे हो किसी का, लेकिन वो होता आपके साथ ही है, तो तभी आप बढ़ सकते हैं, तभी वो बढ़ सकते हैं, मतलब सो इट गोज इट्स लाइक अ सपोर्ट. चलिए जाते आते हैं क्योंकि फिल्म 14th अक्टूबर को आ रही है, क्या कहेंगे आप अपने चाहने वालों से, व्यूअर्स को? जी मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि 14th अक्टूबर को फिल्म आ रही है और प्लीज़ जाके देखिए बेईमान लव. बेईमान लव एक डार्क लव स्टोरी है जो कि बहुत ही, जिसमें बहुत ही ट्विस्ट और टर्न्स हैं कहानी में, और लस्ट, ग्रीड, लव, रिवेंज, ये चार मेन जो चीज़ें हैं इनके ऊपर कहानी घूमती है. और आप जाके देखिए, मैं और सनी लियोन, मतलब इट्स अ ग्रेट केमिस्ट्री टू सी and it's great music to see. So I hope you enjoy the film. And एक बार आप देखें तो उसके बाद please tweet करिए और please Facebook पे डालिए कि आपको कैसी लगी. And I'm sure you know अभी we also running a contest. तो उस contest में काफी lucky winners को prizes भी मिलेंगे. Thank you. Thank you so much and wish you all the best. Thank you.